Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a. हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और आज हम आए एरो सिटी क्योंकि आज एक गाड़ी का रिव्यू करना था और इसका रिव्यू बहुत टाइम से पेंडिंग था। अपने भाई ने ली थी पुनीत विस्ट और अपने ऑफिस में साथ साथ हम साथ ही बैठते थे। गाड़ी जो है वो तो आपको टाइटल में देख के पता चल ही गया होगा कौन सी है और बहुत बढ़िया गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसने मॉडिफिकेशन भी करवा रखी हैं। जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन बंदे को करवानी होती है जिससे थोड़ा मन अच्छा लगे, वो इसने सारी इसमें करवा रखी है। तो पहले आपको मिलवाता हूँ मैं पुनीत से और उसके बाद बात करते हैं गाड़ी की। ये बंदे बैठे हुए थे, इन्हें बुला के लाना पड़ा। ये है पुनीत जिसकी गाड़ी है ये वाली और पोस्ट तो देख लो भाई का। तो अब ज़्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी, पता है हटने के बाद। तो ये है इसकी गाड़ी और कितनी प्यारी लग रही है ये। इसका मेरे को लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें जो जो चीज़ें करवाई हैं जो देखने में अभी आपको भी अच्छी लग रही होगी, मुझे तो लगी हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सो दिस इज़ द मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा 2021 मॉडल है ये और सामने से देखने में बहुत ज़्यादा बल्की लुक लग रहा है मुझे। और ये वाला मॉडल जो है इसका देखने में लुक बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि जो सामने का क्रोम है ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये है 1.5 110 BHP, मतलब 103 BHP है, अब 110 आने लगी है, लेकिन बहुत सही है ये। मतलब पिकअप इसका भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। VXI पेट्रोल मॉडल है ये, मतलब बेस से एक मॉडल ऊपर वाला, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसने बाहर से लगवाई हैं पुनीत ने और सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन जो इसका फ्रंट का लुक है वो बहुत बढ़िया लग रहा है और एक बार आपको इसका साइड लुक भी दिखाता हूँ। तो साइड से कुछ ऐसी लग रही है देखने में और एलॉयज भी इसने अलग से लगवाए हैं और बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में। और ये जितने जितने क्रोम की चीज़ें हैं ये भी बड़ी इस पर सूट कर रही हैं। वाइट कलर पे क्रोम बहुत प्यारा लगता है। और बाकी बैक का लुक इसका ये है, बैक से कुछ ऐसी लग रही है ये। और ये भी इसने आगे वाले जो लगवाए थे इनके साथ ही बम्पर में लगवाए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। और बाकी हैंडल पर भी इसने क्रोम लगवाया है। तो पहले बात करते हैं फ्रंट से, फिर फ्रंट के बाद धीरे धीरे साइड से होते हुए बैक की साइड जाएंगे और एक्सटीरियर पे रहते हैं अभी, उसके बाद इंटीरियर पे जाएंगे। तो फ्रंट में इसमें फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं और DRL आते हैं साथ में, अभी हमने ऑन करे हुए हैं जो देखने में बड़े मस्त लग रहे हैं। और नीचे ये फॉग लैम्प कंपनी फिटेड, बम्पर एक्सटेंडर ये भी तूने कंपनी से अलग से लगवाया है ना। हाँ। पर कंपनी का ही है ये भी है ना, ये कंपनी का ही है। अगर आप लगवा सकते हो बेस मॉडल या फिर बेस से एक ऊपर लेते हो, क्योंकि इसके साथ जो है ना यही लुक ज़्यादा इसकी ज़्यादा बल्कि दे रही है और थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये DRL देखने में ऐसी लगती है कुछ सामने से ऑरेंज लाइट, और ये इंडिकेटर के साथ है, पार्किंग लाइट इंडिकेटर दोनों है ये। और बाकी आप साइड में आते हैं जो कि आपको शानदार एलॉय दिख रहे होंगे। तो ये एलॉय भी तूने बाहर से लगवाए हैं कंपनी से? ये कंपनी से लगवाए हैं, मतलब ये इस मॉडल में लगे हुए नहीं आते? नहीं, तो ये इसने अलग से लगवाए हैं, वैसे शोरूम से ही लगवाए हैं, पर ये बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और इस टाइम पर ये एलॉय सच में कॉस्टली है ना, जिस टाइम पर तूने लगवाए थे तब से अब ये कॉस्टली हो चुके हैं क्योंकि इनकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो उस हिसाब से इसके रेट भी बढ़ा दिए थोड़े से। तो ये जो इसमें क्रोम जितने भी आपको दिख रहे होंगे ये डोर पे भी हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी की एसेसरीज में से ही है, मतलब आप जब गाड़ी लेते हो तब लगी हुई नहीं आएगी, पर आप कंपनी में जो एसेसरीज का पार्ट होता है वहाँ से आप इसको लगवा सकते हो। लेकिन इसमें ये जो चीज़ें हैं हैंडल गार्ड और विंडो पर जितना भी क्रोम दिख रहा है ये सारा आफ्टर मार्केट है और ये बहुत सही लगता है। अगर आपकी गाड़ी में क्रोम का काम करवा रहे हो ना तो आपको पूरा काम करवाना चाहिए ना, पूरा काम बढ़िया लगता है क्रोम का, वरना अगर छोटा मोटा क्रोम करवा लोगे कुछ चीज़ें रह जाएगी तो उससे गाड़ी की लुक अच्छी नहीं आती। तो इसीलिए इसने हैंडल पे भी सारे पे करवाया हुआ है, तो बहुत बढ़िया लुक दे रहा है ये। और बाकी एलॉय तो है ही शानदार। अब आते हैं बैक साइड में, और बैक की लुक इसकी बहुत बढ़िया इसने बना रखी है क्योंकि इसने टेल में थोड़ा सा काम करवा रखा है। तो ऊपर LED की जो स्ट्राइप्स लगी हुई हैं ये बड़ी प्यारी लग रही हैं इसमें, और लगने के बाद इसकी बैक की लुक और भी ज़्यादा अच्छी बढ़ गई है। और ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई हैं, लेकिन ये मतलब इंडिकेटर के साथ नहीं है ना, ये इंडिकेटर के साथ नहीं है, इंडिकेटर के साथ इसने ये वाली लगवाई हुई है, ये इंडिकेटर वाली हैं। ये कुछ इस तरह का लुक दे रही है जब इंडिकेटर आप ऑन करते हो, और ये अभी पार्किंग लाइट ऑन करी है इसमें, तो बैक की इसमें लाइटें इस तरह से जलती हैं। और नीचे ये रिफ्लेक्टर का भी काम करते हैं रात में। बाहर से आपको एक चीज़ बता दूं जो इसने करवाई है, इसने डैम्पिंग करवाई है पूरी गाड़ी में बाहर से, जिससे कि गाड़ी पूरी साउंड प्रूफ हो जाए, है ना, साउंड प्रूफ करने के लिए इसने डैम्पिंग करवाई है। और जो डोर्स हैं इसके वो वीडियो में तो खैर पता चलेंगे नहीं, लेकिन फील हो रहे हैं मतलब बंद करने खोलने में कि डोर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं। इसमें डबल लेयर डैम्पिंग की शीट लगी हुई है, यहाँ से पता चल रहा होगा आपको, आवाज़ दिखाता हूँ, ये आवाज़ में पता चल रहा होगा कि
दोनों की आवाज़ हर फर्क है बहुत ज़्यादा। बाकी इसका 360 वॉक अराउंड देखने में बड़ा मस्त लगा होगा आपको भी। और बाकी ये इस साइड की लुक भी वही सेम ही है जो उस साइड से थी। इस साइड भी सारा क्रोम का ही काम किया हुआ है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब एक शाइन आ जाती है क्रोम का काम करने से। और अब चलते हैं अंदर और इंटीरियर की बात करते हैं फटाफट। बात करते हैं इंटीरियर की, और 2021 मॉडल है ये और बहुत प्यारा है, मतलब अंदर की फिनिशिंग बहुत सही है। और इसने बाकी सीट कवर लगवा रखे हैं, इसमें हेडरेस्ट हटा रखा है इसने, टॉर मारते हैं इस पे। और ये तो तुमने बड़े खतरनाक लगवाए हैं, कंपनी फिटेड सही है। और अंदर भी इसमें स्टोरेज की काफ़ी सही चीज़ें हैं, और सेम मतलब क्रेटा जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। क्रेटा में भी यहाँ पर ही सारा स्टोरेज का है, और यहाँ पर दो ऐसे बॉक्स दिए हुए हैं जो स्टोरेज के लिए सही रहते हैं। बाकी आर्म रेस्ट ये रहा इसमें जो आगे पीछे हो जाता है, ये सारा जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल है यहाँ पर इसका जितना भी है। और इसने ये एंड्रॉयड स्क्रीन बाहर से लगवाई है, तो ये 9 इंच का इसमें जो बॉक्स है इसमें पहले नॉर्मल पहले लगा हुआ था इंफोटेनमेंट, पर इसने बाहर से लगवाया ये एंड्रॉयड। और एक बार इधर इसको चेक करते हैं, तो ये एंड्रॉयड इसने आफ्टर मार्केट लगवाया है, और मतलब आप भी लगवा सकते हो अगर लगवाना चाहो तो। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड दोनों ही है ना, तो बढ़िया लग रहा है देखने में इसका जो जितना भी इंटरफेस है, और इंटरफेस भी काफ़ी स्मूथ है ऐसा इसने बताया। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये इसका इंटरफेस है जो कि काफ़ी सही है। कोई भी चीज़ अगर आपको खोलनी है आराम से तो इजी टू यूज़ है, ज़्यादा इसमें मेहनत लगती नहीं है, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी से मिल जाएंगी, इजी है, मतलब फ़ोन की तरह ही ऑलमोस्ट पूरा। और प्ले स्टोर ये रहा, तो एंड्रॉयड है श्योरिटी। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इसका ऐसा है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब ब्रीज़ा का नॉर्मल है अभी तक जो है वो था, लेकिन 2022 वाले मॉडल में चेंज हो गया और क्लॉक आने लगी है उसमें बीच में, लेकिन ठीक है, ये वाला भी कोई बेकार नहीं लगता। तो ऑडियो का इसने गाड़ी में काम करवाया हुआ है, मतलब एंड्रॉयड का जब इंफोटेनमेंट लगवाया था उसके बाद सारा इसने जो है ऑडियो में स्पीकर्स वगैरह लगवा के करवाया हुआ है। तो बताना जरा क्या क्या करवाया हुआ है। फ्रंट में कंपोनेंट्स है बेटार के, ये दोनों साइड में हाँ। ठीक है, और पीछे कॉक्सिल स्पीकर्स है नॉर्मल, और डिक्की में ट्रे वाले स्पीकर्स हैं सोनी के। और बेस ट्यूब रॉकफोर्ड की लगवाई हुई, पीछे रखी हुई है डिक्की में। तो पूरा सिस्टम करवाया, कितने का बड़ा था सिस्टम, कितना बड़ा पूरा 35,000 35,000 का पूरा सिस्टम बड़ा था ऑडियो का। और ये स्क्रीन अलग से इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर आपको करवाना है बाहर से तो करवा सकते हो। और आवाज़ एक बार चेक करते हैं ज़रा इसकी अब कैसी है। काफ़ी बढ़िया है, मतलब आपको अगर बाहर से अगर साउंड सिस्टम लगवाना है तो लगवा सकते हो। 35,000 रुपये में पूरा आपको जो है सिस्टम लग जाएगा, वो भी स्क्रीन के साथ जो इसकी ये टच डिस्प्ले है, और 9 इंच की टच डिस्प्ले है, तो लगवा सकते हो। नीचे जो है असली खेल तो यहाँ पर है सारा, जो एटमोसफियर लाइट आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगी है, ट्रेंड में हो चुकी है ये इसने लगवाई है। और ये कलर चेंज होते होंगे, इससे RGB होगी पूरी है ना, तो इसमें मतलब वो भी है, मतलब जैसे म्यूजिक के साथ साथ चेंज होना सारा कुछ है, तो ये चीज़ बढ़िया लगती है इसमें। और अभी फिलहाल कलर एक सेट हुआ है, तो अगर आप इसको कलर को चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। फोन से कंट्रोल होती है पूरी, रिमोट से कंट्रोल हो जाती है पूरी, तो बढ़िया लगती है देखने। और बाकी इसमें कीलेस जो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, और बाकी इसमें ये चीज बढ़िया है कि VXI में इतनी सारी चीजें दी हुई है, ORVM भी है इसमें। तो ये पीछे के दो स्पीकर है इसके जो इसने पायनियर के लगवा रखे हैं, और बाकी बेस ट्यूब ये नीचे लगी हुई है, तो बढ़िया है साउंड सिस्टम। और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका, और 48 लीटर का इसका टैंक है, अगर कहीं आपको ट्रिप पे जाना है तो लेके जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी भाई विटारा ब्रीज़ा VXI पेट्रोल, और ये अपने भाई के पास है काफ़ी टाइम से, और इसके जो रिव्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार मारुति सुजुकी की भी तो है, तो यार ट्रस्टेड कंपनी है और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है, तो अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो ईजिली। अब तो नया वाला मॉडल भी आ गया है, तो अपन इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, और सारे फीचर्स अभी तक बताए दिए होंगे। बाहर से लगवाई हुई चीज़ें मेरे को मेनली कवर करनी थी, क्योंकि ज़्यादातर बेस मॉडल में जो चीज़ें आती हैं बंदे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो आप अगर करवाना चाहो तो करवा सकते हो, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह के मैंने रेट भी बता दिए, तो अगर लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, बहुत सारी मार्केट हैं दिल्ली में। और बाकी इस व्लॉग को यहाँ पर अपन एंड करते हैं, अगर पसंद आए तो यार लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? मतलब यहाँ पर भी RGB लग जाती है, वो भी लगा सकते हैं। तूने डोर्स पे RGB क्यों नहीं लगवाई? पैसा नहीं है। तेरा पैसा नहीं है। That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal.